मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने कल जो पढ़ा तो आज हमको उससे आगे कंटिन्यू करना है। तो रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स एट ए ग्लोबल लेवल, द नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स वाज वेरी लिमिटेड बिफोर 1970। During ancient times the situation was worse. At that time women were not allowed to even watch the Olympic Games. But the number of women participants at the international level has increased extensively during the last four decades. It is evident in the Olympic, World Cup, Asian Games, Commonwealth Games, European Championship, etc. But even then, the number of women participants in sports is still less in comparison to men, especially in India. The following reasons may be responsible for low participation of women in sports. 1970 से पहले वर्ल्ड लेवल पर खेलों के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता या पार्टिसिपेशन बहुत कम थी, सीमित थी। एंशियन टाइम में तो अब स्थिति और भी बहुत ख़राब थी। उस समय वीमेंस को ओलंपिक खेल देखने तक के लिए अनुमति नहीं थी, वो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने की बात तो दूर है, वो देख नहीं सकती थी। ये इतना ज़्यादा हमारा समाज पिछड़ा हुआ था। बट पिछले 40 सालों में, चार दशकों में इंटरनेशनल लेवल पर वेमेंस प्लेयर्स की जो पार्टिसिपेशन है उसमें कुछ इंक्रीज हुआ है। एंड ओलंपिक में, ओलंपिक है, वर्ल्ड कप है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है एंड यूरोपियन चैम्पियनशिप में यह इंक्रीज्ड हम दिखाई पड़ रहा है अब। बट इंडिया में खेलों में मेंस के मुकाबले अभी भी महिलाओं के जो पार्टिसिपेंट्स है वो काफ़ी कम है, और खेलों में महिलाओं की जो कम पार्टिसिपेशन है उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे है लैक ऑफ लेजिस्लेशन। आप समझ रहे होंगे कि भारत में कानून की कमी है। इन 1972 लेजिस्लेशन वाज पास्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दिस लेजिस्लेशन वाज पास्ड टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एट ऑल लेवल्स। इक्वल फैसिलिटीज वेयर मैंडेटेड टू बी प्रोवाइडेड इन स्पोर्ट्स टू वुमेन एज इन द केस ऑफ मेन। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन स्पोर्ट्स वॉज इन्हेंस एविडेंटली इन इंडिया। देयर इज लैक ऑफ सच लेजिस्लेशन हियर। दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल एड इज नॉट प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्राम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। लेस बजट इज एलोकेटेड इन कंपेरिजन टू दैट इन वेस्टर्न कंट्रीज। आफ्टर हैविंग ए ग्लैंस ऑफ स्पोर्ट्स बजट एंड अदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन वुमेन्स कॉलेज एंड स्कूल्स इट कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली दैट देयर इज लेस एक्सपेंडिचर इन डेवलपिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन कंपेरिजन टू दैट इन मेन्स कॉलेज एंड स्कूल्स। इन फैक्ट देयर इज लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर वुमेन्स इन मैनी कॉलेज एंड स्कूल्स। लैक ऑफ लेजिस्लेशन का भारत में या दुनिया में खेलों में जो खेलों महिलाओं का पार्टिसिपेंट्स है उसके लिए कानून में भी कुछ कमियां रह गई थी। 1972 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक कानून बना
और उस कानून में जितने भी एजुकेशनल सेंटर हैं या इंस्टीट्यूट हैं उनमें फाइनेंशियल सहायता उपलब्ध कराई गई और उसमें फाइनेंशियल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। वास्तव में यह कानून सभी स्तरों पर खेलों में वीमेंस को समान जो इक्वालिटी है इक्वल अवसर मिलने के लिए था, तो जो डिस्क्रिमिनेशन है उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए ये प्रयास किया गया। वीमेंस को भी खेलों में इक्वल सुविधाएं मिले और जैसे कि हमारे यहाँ मेंस को मिलती हैं, तो इसलिए इसमें कानून की ज़रूरत पड़ी और कुछ कानून बनाने की कोशिश की गई। इंडिया में इस प्रकार के कानून की बहुत कमी है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इस प्रकार का कोई बजट नहीं दिया जाता था और ना ही कोई सहायता दी जाती थी। तो यहाँ पर खेल संबंधी जितने भी सुविधाएं हैं वेस्टर्न कंट्री की अपेक्षा यहाँ बजट कम होता है। तो वेमेंस स्कूल एंड कॉलेज में जो सुविधाएं प्रदान करने जाने वाली जो चीज़ें हैं जैसे इक्विपमेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए है, तो अगर हम वहाँ पर एक नज़र डालें तो यह देखा जा सकता है कि जो मेंस हैं मेंस स्कूल हैं कॉलेज हैं उनकी तुलना में वीमेंस कॉलेज के लिए बहुत ही कम खर्च या बहुत ही कम बजट दिया जाता है। सेकंड है लैक ऑफ टाइम समय का अभाव। तो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन यूजुअली हैव लेस लिजायर टाइम देन मेन बिकॉज दे टेक ऑन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस होल्ड वर्क। सम ऑफ देम हैव फुल टाइम जॉब्स टू अर्न ए लिविंग, देयरफॉर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज। समय का अभाव, हम अक्सर देखते हैं कि महिलाओं के पास पुरुषों की अपेक्षा खाली समय की कमी होती है क्योंकि वो घर के कार्यों की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाती हैं, उन पर कामों का अधिक बोझ होता है भार होता है। कुछ महिलाओं को अपनी जीविका कमाने और बाहर नौकरी करनी पड़ती है, अतः समय के अभाव के कारण वे ऐसी क्रियाओं में भाग नहीं ले पाती। मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों को ये बताया जाता है कि ये पुरुषों की पुरुष प्रधान संस्कृति है। तो एज कल्चर ऑफ स्पोर्ट इज परसीव टू बी मेल डोमिनेटेड सम वुमेन सीम टू हेजिटेट टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। खेलों की जो कल्चर है उसकी संस्कृति को पुरुष प्रधान मेल डोमिनेटेड सोचा जाता है। कुछ महिलाएं खेलों में भाग लेने में से हिचकिचाती भी हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पोर्ट स्पेक्टेटर्स एंड नो कवरेज ऑफ वुमेन्स स्पोर्ट्स। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट देयर इज लेस नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस ऑफ वुमेन बिकॉज देयर इज ऑल्सो लेस नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस और टूर्नामेंट्स ऑफ मेन। ए क्रिकेट मैच मे बी टर्न एज एन एक्सेप्शन वेयर देयर इज ऑलवेज ए ह्यूज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर वुमेन्स क्रिकेट मैच। जनरली देयर इज नो ब्रॉडकास्ट ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑन टेलीविजन चैनल्स। एवरी वन इज जस्ट कंसर्न अबाउट मेन्स क्रिकेट। हाउ मेनी टाइम्स Do we watch any sports played by women in India on television? We hardly watch women's cricket World Cup, women's kabaddi World Cup, women's hockey World Cup, etc. on television. A designated space on women's sport is not given in newspapers even directly or indirectly. These reasons are responsible for less participation of women in sports. As a matter of fact, if there is less number of spectators in any sports competition, the players, whether men or women, will not be properly motivated to participate in sports. This decreases their enthusiasm to participate.
महिलाओं की खेलों में कम सहभागिता, वेमेंस की जो खेलों में कम लेस पार्टिसिपेशन है, को बहुत का बहुत उसका मेन कारण जो हो सकता है वो जो हमारे स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक होते हैं, उनकी जो इंटरेस्ट है खेलों के प्रति, महिलाओं की खेलों के प्रति, वो ज़्यादा प्रभाव डालता है। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि महिला खेल मुकाबलों में दर्शकों की कमी है, क्योंकि जो मेंस खेल के जो मैचेस होते हैं उसमें स्पेक्टेटर्स उस के जो नंबर होते हैं ना, ह्यूज नंबर वहाँ पर होते, बहुत ज़्यादा नंबर पर आ जाते हैं मैच देखने के लिए। और किंतु जब महिला क्रिकेट हो, महिला का हॉकी का हो, या महिला बैडमिंटन हो, कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं होता। महिला खेल मुकाबलों का टीवी चैनल पर प्रसारण ही नहीं होता था पहले, अब तो कुछ होने लगा है, अब इक्वालिटी आना शुरू हो गया है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पुरुष क्रिकेट के विषय में ही चिंतित रहता है, जो मेल जो क्रिकेट होता है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है कि वो ऐसा खेला, वो ऐसा खेला, और उसके मतलब उनके बारे में ज़्यादा उनकी सोच रहती है। और महिला खिलाड़ियों के प्रति उनकी सोच में एक कमी है, वाकई में कमियाँ हैं। हम मुश्किल से ही महिला विश्व कप, जो महिला वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, जो वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप होता है, और वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप है, टीवी पर देखते हैं, बहुत कम देख पाते हैं या देखते हैं। वीमेंस खेलों को अखबारों में भी पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाता। और अगर हम कहें तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जो वीमेंस द्वारा खेलों में कम सहभागिता के लिए यही कारण जिम्मेदार है। बट सच तो यह है कि यदि किसी खेल मुकाबलों में दर्शक कम संख्या में है तो खिलाड़ी चाहे वे पुरुष हो अथवा महिला हो, उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा, या उनकी सहभागिता जो पार्टिसिपेशन है वो कम कर देता है। लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज रोल मॉडल्स। देयर आर ए फ्यू ऑफ स्पोर्ट्स वुमेन एज रोल मॉडल सच एज पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, मिथाली राज, पी वी सिंधु एक्सेट्रा, बट दे आर नॉट पॉपुलराइज्ड ऑन टेलीविजन और अदर मीडिया। इन फैक्ट दे डिड नॉट गेट देयर ड्यू प्लेस ऑन टेलीविजन एज रोल मॉडल्स, इवन प्रॉपर स्पेस इज नॉट एलोकेटेड टू द अचीवमेंट्स ऑफ सच वुमेन्स प्लेयर्स इन वेरियस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। इफ द नंबर ऑफ सच एपेक्स वुमेन्स स्पोर्ट्स पर्सन इज इंक्रीज एंड दे आर पॉपुलराइज ऑन टेलीविजन एंड अदर मीडिया, देन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स विल डेफिनेटली द इन्हेंस्ड। तो लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज ए रोल मॉडल ऑफ, वाकई में भारत में जो रोल मॉडल खिलाड़ियां होती हैं, जैसे वेमेंस प्लेयर्स हैं, तो उन खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा कमी है। यद्यपि बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, जैसे पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, एमसी मैरी कॉम, मिताली राज, सिंधु, और बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे अंजू बी जॉर्ज है, और स्मृति मंधाना है, पूनम राउत है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज रोल मॉडल हैं, लेकिन उनको टीवी और जो एड्स आते हैं, टीवी पर एड्स आते हैं या अन्य जो कार्यक्रम होते हैं, उनको उतना पॉपुलर नहीं बनाया जाता जितना कि पुरुष खिलाड़ियों को बनाया जाता है। वास्तव में उन्हें रोल मॉडल व्यक्ति के रूप में टीवी पर पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन में है, अभी ऐसी महिला खिलाड़ियों की जो अचीवमेंट है उनको उचित स्थान नहीं दिया जाता। यदि ऐसी जो टॉप पर जो महिला प्लेयर्स हैं, वीमेंस प्लेयर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है तो उन्हें टीवी पर भी लोकप्रियता प्रदान की जाती है, तो निश्चित खेलों के क्षेत्र में वीमेंस की पार्टिसिपेशन में इंक्रीज होगा। लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट। ड्यू टू ए लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट, वेमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज लेस। वी आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले एन इफेक्टिव एज वेल एज सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। नाउअडेज वेमेन आर अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ फिटनेस एंड Yet some women are not aware of the various programs and movements related to fitness and wellness. They need to be alert about their health and fitness. In fact, it is essential for every individual to know about health, wellness and fitness. Participating in sports activities will definitely make them aware and alert. To get a perfect sports ready body is not a bed of roses. It can only be achieved with the help of regular participation in sports. Lack of awareness among women. A lot of false notions prevail due to lack of awareness, and some become victim of baseless and imaginative misconception rampant in our society. For example, it is considered in our society that physical, social and psychological characteristics are qualities of women who participates in games and sports, so a marked change. It is also considered that women who participate in sports face a number of problems at the time of childbirth. However, this is far from being true. There are various misconceptions prevailing in our society, such as bones of women who participate in sports become weak and their femininity is also at risk. In fact, these are only thoughts which are not based on any fact. These wrong ideas limit women from participating in sports. महिलाओं की खेलों के प्रति जो सजगता होनी चाहिए उनमें उसमें कई ऐसे रीज़न है कि उनकी जो पार्टिसिपेशन की जो प्रोफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, और इसी कमी के कारण वीमेंस आज हमारे समाज की आधारहीन तथा काल्पनिक गलत फहमियों में घिरी रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए, हमारे समाज में यह माना जाता है कि खेलों में भाग लेने वाली महिलाओं को फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं जो उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है, और यह भी माना जाता है कि खेलों में भाग लेने वाली वीमेंस को प्रसव के दौरान अनेक समस्याएं सामने आती हैं, बट सच्चाई इसके सर्वथा विपरीत है। हमारे समाज में कुछ अन्य मिसकंसेप्शन भी प्रचलित हैं, जैसे कि जो महिलाएं, जो वीमेंस खेलों में भाग लेती हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं तथा उनका जो प्रजनन करने की जो क्षमता है वो भी खतरे में पड़ जाती है, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। ये सभी केवल एक मिसकंसेप्शन है, ये गलत धारणाएं हैं जो कि किसी तथ्य से संबंधित नहीं है। सजगता की कमी के कारण, अवेयरनेस की कमी के कारण महिलाएं भी ऐसा ही सोचने लगती हैं, और उनकी जो अवेयरनेस है, जो सहभागिता पार्टिसिपेशन है वो सीमित हो जाती है, कम हो जाती है। लेस नंबर ऑफ कोचेस। लेस नंबर ऑफ वुमेन्स कोचेस इन इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन्स इन स्पोर्ट्स। इफ द नंबर ऑफ वुमेन कोचेस इज इनहेंस, देयर विल बी डेफिनेटली बी एन इंक्रीज इन वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वीमेन में फील कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ फीमेल कोचेस एंड दे विल टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स होल हार्टेडली विदाउट एनी हेजिटेशन।
तो बहुत सारी महिला कोचों की कमी कारण भी हमारे देश में महिला प्लेयर्स का निकलने का बाहर आने में जो संकोच होता है उसके कारण भी ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि महिला खिलाड़ियां महिला कोचों के सामने ज़्यादा अपने आप को साबित कर सकती हैं, ऐसा उनकी अंदर एक सोच है। और इसी एक जो सोच के कारण एक खेलों में जो उनकी रुचि है, जो उनका इंटरेस्ट है, कम पड़ जाता है। एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी प्लेज ए वाइटल रोल टुवर्ड्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। इंडियन सोसाइटी स्टिल लुक्स डाउन अपॉन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। इंडीड नॉट ओनली इन केस ऑफ इंडिया बट देयर आर ए लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैव ए नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी द व्यूज ऑफ मेल स्पोर्ट्स पर्सन अबाउट फीमेल स्पोर्ट पर्सन्स आर डेफिनेटली रिग्रेसिव। It is said, why don't they stay in kitchen where they belong? Masculinity and femininity are given a definition by our society. There is actually no link of masculinity and femininity with the participation in sports. महिलाओं की खेलों में भागीदारी के प्रति जो हमारा समाज का जो एटीट्यूड है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जो इंडियन कल्चर है, इंडियन सोशल है, महिलाओं वुमेन्स की खेलों में जो पार्टिसिपेशन है इसके प्रति नज़रिया और जो उनको देखने का दृष्टिकोण सही नहीं है। वास्तव में न केवल भारत, न केवल इंडिया में, बल्कि विश्व के अन्य बहुत से ऐसे देश हैं जिनका महिलाओं की खेल स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही नेगेटिव है, और पुरुष प्रधान समाज है, ऐसे में महिला प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को निश्चित रूप से निम्न कोटि का कहा सोचा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि वे रसोई घर में क्यों नहीं रहती जहाँ कि उन्हें रहना चाहिए। पुरुषत्व, जो हमारे यहाँ पुरुषत्व तथा नारीत्व की परिभाषाएं समाज द्वारा निर्धारित की जाती हैं, खेलों में पार्टिसिपेशन का जो पुरुषों का प्रतिनिधित्व है, इसीलिए नारीत्व से कोई संबंध नहीं है, बट एक मिसकंसेप्शन है जो इसके कारण हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी। जो महिलाएं पर्सनल सेफ्टी ऑन द रोड्स, स्ट्रीट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स एंड अराउंड स्पोर्ट्स वेन्यूज इज ए कॉमन एज वेल एज परसिस्टेंट प्रॉब्लम फॉर वीमेन्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। दे मे बी एन इजी टारगेट ऑफ बुलिंग एंड अब्यूज ट्रेवलिंग टू एंड फ्रो फ्रॉम स्पोर्ट्स स्टेडियम्स और कॉम्प्लेक्सेस मे बी डेंजरस फॉर वीमेन्स। यूजली दे डू नॉट फील सेफ ड्यू टू दिस रीजन पेरेंट्स डिसकरेज देम टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। अपनी कुछ व्यक्तिगत सुरक्षा के दृष्टि से भी महिलाएं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाती। जो महिलाएं खेलों के प्रति इच्छुक हैं, जब वो रोड पर निकलती हैं, गलियों में जाती हैं या सार्वजनिक जगहों पर जो जहां पर ट्रैवलिंग करती हैं तथा जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में आना जाना और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उस सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, बट एक बहुत बड़ी समस्या है महिला प्लेयर्स के लिए। वे डराने, धमकाने और दुर्व्यवहार का अक्सर शिकार हो जाती हैं। जो स्पोर्ट्स स्टेडियम तथा जो उसके हॉस्टल्स हैं, जो आने जाने की जो सुविधा है अब महिला खिलाड़ियों के लिए, वीमेंस के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। वे अपने आप को सुरक्षित अनुभव नहीं करती। यही कारण है कि पेरेंट्स अपने बेटियों को या महिला खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने से इनकार कर देते हैं। हमें मतलब सब नहीं करते, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस ऑफ फैसिलिटीज़। देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस टू फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू वुमेन्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग
coaching, etc., are not usually provided to women as done in case of men. खेलों के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली जितनी भी सुविधाएं होती हैं महिलाओं की पहुंच वहां तक नहीं हो पाती है. पुरुषों की तुलना में महिलाओं को खेल का जो इक्विपमेंट है, जो ट्रेनिंग है, जो कोचिंग है, ऐसी सुविधाएं जनरली नहीं प्रदान की जाती हैं, नहीं मिल पाती हैं, और इसलिए वीमेंस का खेलों में पार्टिसिपेशन कम हो जाता है. यहाँ तक कि महिला जो स्कूल, जो लेडीज या गर्ल्स के स्कूल होते हैं, उनमें होने वाले जो खेलकूद के जो कार्यक्रम होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें भी लड़कियों के खेलने के लिए चांसेस कम होते हैं और लड़कों को ज़्यादा अवसर मिलते हैं. और लड़कों के विद्यालयों तथा कॉलेजों में जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और उनकी तुलना में गर्ल्स स्कूल में बहुत कम टूर्नामेंट कराए जाते हैं. और ये भी एक कारण हो सकता है. जनरली जो वीमेंस हैं उनके जो जहाँ रहती हैं अपने घर के आसपास के खेलने की उचित सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं रहती, इस कारण से उनकी खेलों में जो पार्टिसिपेशन है वो कम रह जाता है. तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है. हम कल आपको जब पढ़ाएंगे तो स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्च एंड मेंस्ट्रुअल डिफंक्शंस के बारे में बताएंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर वोमेंस स्पोर्ट्स के लिए, वोमेंस के लिए. और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे आप लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी. तो कल हम उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे. आज के लिए इतना ही है. और अगर आप लोगों को कुछ भी लगता है कि हमसे कुछ क्वेश्चन अराइज करना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद आप लोग हमको क्वेश्चन कर सकते हैं. इसीलिए हम यहाँ पर हैं, बैठे हुए हैं. आपके अंदर जो कुछ समझ में नहीं आता है इस चैप्टर में, आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपको बताने के लिए ही यहाँ पर हैं. तो आपको जो भी समस्या हो किसी भी टाइम फिजिकल एजुकेशन में, कभी भी कोई समस्या हो किसी भी टाइम, आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपके जवाब देने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं. एवरी टाइम हमारा आपके लिए है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छा करें. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. बहुत बहुत धन्यवाद.